मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में जवाहर नगर में कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है। यह व्यवस्थाओं का आलम यह है कि तेज गर्मी हो या बारिश, स्कूल में छुट्टी हो जाती है। मध्य प्रदेश अजब है और गजब भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र में हाल यह है कि प्राइमरी स्कूल को बुनियादी सुविधाओं के मशक्कत करनी पड़ रही है। वादे तो खूब हुए लेकिन अब तक बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं जुट सकी है। 2015 से स्कूल असुविधाओं के बीच बच्चों को सुनहरे भविष्य के ख्वाब दिखा रहा है। हालत यह है कि ज्यादा गर्मी या बारिश हो तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में ही जवाहर नगर में कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित होता है। यहाँ 65 विद्यार्थी व्यवस्थाओं के अभाव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में कमरा नहीं होने की वजह से पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिस जगह बच्चे बैठते हैं वहां बड़ी नाली है। बच्चों का मध्याह्न भोजन भी नाली के पास ही होता है। फर्नीचर के नाम पर दो शिक्षिकाओं के लिए दो टेबल और दो कुर्सी है। बच्चे जमीन पर बैठते हैं। स्कूल में शौचालय तक नहीं है। बच्चे खुले में शौच करते हैं। रिहायशी इलाका होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला टीचर और छात्राओं को तो सबसे अधिक दिक्कत होती है। जवाहर नगर के शासकीय प्राथमिक कुशाभाऊ ठाकरे विद्यालय में 100 वर्ग फीट का एक कमरा है। उसमें ही पहली से पांचवी तक की कक्षाएं लगती हैं। स्कूल कार्यालय का काम भी यहीं पर होता है। कमरे में ही स्कूल का सामान रखा है। स्कूल में वर्तमान में कुल 65 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। रोज 50 से अधिक बच्चे उपस्थित रहते हैं। बरसात में नाला उफान पर होता है तो पानी कमरे में भर जाता है। इसकी छत भी रिसती है। इस स्कूल के लिए राशि आवंटित हुई थी। भवन का निर्माण प्रारंभ भी हुआ था। भवन का निर्माण प्लिंथ हाइट तक हुआ था। पुलिस विभाग की आपत्ति के बाद काम रोक दिया गया। जवाहर नगर उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना का हिस्सा है। योजना में यहां पुलिस चौकी के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय सहवाचनालय बनना है। जिला शिक्षा केंद्र ने जमीन की वास्तविक पड़ताल किए बगैर स्कूल भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। इस पर आपत्ति आ गई। भवन निर्माण रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। स्थिति जस की तस है। शिक्षिका निहारिका कोठरी ने बताया कि वर्ष 2015 से स्कूल सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रहा है। बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं लेकिन मना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के एडीपीसी गिरीश तिवारी का कहना है कि मिडिल स्कूल अभी एक कमरे में संचालित हो रहा है। वहां थाना बनना था जिसकी वजह से स्कूल बनाने पर रोक लगी है। कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ने विभागीय समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने बताया था कि एसपी से बात हो गई है। अब उस जगह पर स्कूल बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी। प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम इसकी एजेंसी है। जल्द ही निगम इस स्कूल को बनाएगा। ये कौन सा स्कूल है? यहाँ पर कितने कौन सी क्लास तक की क्लासें लगती हैं और कितने कितने बच्चे हैं? ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से ये विद्यालय है। ये 2015 से संचालित हो रहा है, मतलब 10 साल होने को आ रहे हैं और 1 से 5वीं तक इसमें कक्षाएं लगती हैं और यहाँ पर छात्र 65 के समथिंग होने को आ रहा है। एडमिशन जारी है। चूंकि जगह कम होने के कारण थोड़ी भर्ती में दिक्कत आती है। किस प्रकार की जगह है, क्या साइज का ये कमरा है और किस प्रकार? ये 10x12 का कमरा होगा या 10x10 जो भी है। दिक्कतें तो बहुत है क्योंकि टॉयलेट नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है और हम टीचरों के स्टाफ के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। 2-3 क्लासें बाहर लगती है, 2 क्लास अंदर लगती है। जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे बाहर खुले मैदान में ही खाना खाते हैं। हाँ ये नाला जा रहा है, ये सफाई नगर निगम की तरफ से होती नहीं है ज्यादा, तो दवाई डाल के बच्चों को बिठाया जाता है, छिड़काव करते हैं, कभी बोरी के पाउडर कभी कुछ ऐसी चीजें डालते हैं। स्कूल को लेकर विभागीय तौर पर क्या चल रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों ने भी मांग समय समय पर उठाई होगी बच्चों की? हाँ इसकी मांग बहुत उठी है और हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय से अधिकारी लोग जो आए थे उनका कहना था कि इसका निराकरण बहुत शीघ्र होने वाला है, इसको मतलब बनने की तैयारी में है, ऐसा संदेश मिला है। ये
डीपीसी सर आए थे। कंस्ट्रक्शन था सरकारी जमीन है इसमें, ऐसा सुनने में आया था कि पुलिस विभाग की जमीन है, इस विभाग पर मतलब पैसा सेंक्शन किया स्कूल बनाने के लिए, तो उन्होंने रोक लगाई थी कि यहाँ पर उनका थाना बनने की कवायद थी, क्योंकि जब से पेंडिंग में है इतने सालों से, क्योंकि मैं 2015 से मैं ही हूँ यहाँ पर। क्या नाम है? निहारिका कोठारी। और ये कौन सा स्कूल है, यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है? यहाँ पर है ना पढ़े होते हैं ना, तो है ना पानी आ जाता है तो बच्चों को अंदर बैठना पड़ता है, और बच्चे है ना बैठ नहीं पाते, फिर झगड़ते भी सारे बच्चे ना, आधे बच्चे फंसते हैं तो जी। और यहाँ पर धूप भी आती है जी। यहाँ पर धूप भी आती है और नाला, ये नाला भी यहाँ पे सफाई नहीं होती है। मैं मतलब फोन करके भी बोलते हैं तो बस फोटो खींच के थोड़ा सा वहाँ पाउडर डालते हैं ना, फोटो खींचते हैं ना, ने फिर भेज देते दूसरे को। क्या नाम है आपका? पूर्वा बागवान, पांचवी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।